जयकार वीर बजरंगी। सारे भगत नहा धो के तैयार है। चौथे दिन की यात्रा सरदार शहर से शुरू हो रही है। सुबह के 4 बजे आज का फिर टारगेट है कि रतनगढ़ पार करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, 206 किलोमीटर की यात्रा का, कि देश में अमन चैन शांति बनी रहे, भगवान सबका भला करे, सब लोग तरक्की करें। चलिए अभी भक्तों, बोल वीर बजरंगा बली की जय हो। से उठने के बाद 12 किलोमीटर का सफर तय करके रेस्ट किया और 25-30 किलोमीटर क्या 50 किलोमीटर ही हो गए। मौसम का जूस ढूंढते हुए अब मिल गया। सब भाई एनर्जेटिक हो गए, थकावट भी दूर हो गई। बहुत बढ़िया, अच्छा सफर चल रहा है, सब स्वस्थ है, सब तंदुरुस्त है। हमारी यात्रा इच्छा पूर्ण बालाजी तक पहुंच चुकी है। यहाँ अचार की सबसे बड़ी मंडी है राजस्थान की। गड़गड़ गुंबद सह रूपनाथ बन रहा है। फोटो साफ कोनिया ही धोलियो ने कहीं हम भी होश ना हो जाएं, संभालो यारों। तो चल गाड़ी में, मैं चला सड़क पर चढ़ के गाड़ी और खींचे एक दो तीन चार बाबा तेरी जय का राजा बतो। लो नमस्ते भाई सबको। मेरे मतलब ननियाल से कुछ मेहमान आए हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। और रूपनाथ को प्रसाद है, खा लियो की कोनी थारो अली जी सोरो जे वो उल्टी कोनी आवे। जी एक शॉर्टकट रास्ता है राणा सर गांव के अंदर से, क्योंकि हाईवे रोड घूम के आता है, तो हम सब ने ये फैसला लिया कि शॉर्टकट ही जाए। क्या हुआ मजरोड़ है फिर। लो भाई शॉर्टकट रास्ते पर थोड़ी देर रुकिया, हाँ सारो मारियो है, ठंडो ठंडो मंगायो है, अब ठंडो पीशा। के नाम है तेरो? ललित। और रोड में मार लियो के एक गोटो सो। राणा सर बिकाण गांव है चूरू जिले में, और आज दोपहर का स्टॉप हम यहीं करेंगे। यहाँ सरपंच साहब के यहाँ इनवाइट हैं, भोजन करेंगे, वहीं रेस्ट करेंगे। गांव बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा, साफ सफाई हर घर में आप देखेंगे तो बहुत असली। अगर स्वच्छ भारत, हर घर में सफाई बहुत ज़रूरी है। अपना अपना घर सारा हिंदुस्तान साफ रखेगा तो स्वच्छ हिंदुस्तान अपने आप बन जाएगा। आ जाओ भक्तों, आ जाओ। जय बाबा की भक्तों, जय बाबा की। यहाँ ज़्यादातर गाँव में आपको ऐसी चढ़ाई मिलेगी, इसको पत्थर की चढ़ाई बोलते हैं, पर अपने देसी में राजस्थानी बोलते हैं भाटा की चढ़ाई। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ऊपर ही, तो सफर भी आया है तो खतरनाक ही सस। बड़ो गिलास चका गयो, गिलास चक्का नहीं आ गया, बाल्टी चक्की है। घायल हो चुके हैं बंदे। घायल तो मैं विनोद भाई जी दो, अब बजे तो मेरा हुआ सारा ही। वो जिया ख्याली कॉमेडियन कह नहीं कह चौधरी समुद्री जाग लिया के दूंगे असली जाग तो आंगा।
देख लियो भलाई जाग तो भैया सारा आ रहा है मेरा थोड़ा ज्यादा आ रहा है इतनी दिक्कत है कि कम है कि ज्यादा आ रहा सारा भाई झूठ मत बोला गटगट गुंबो तो मार लो ही पाट रही है ओ बिशु संजय भाई सब्जी तैयार कर रहे हैं हमारे लिए जय बाबा की राम राम भाई जी राम राम जय बाबा जय बाबा और नहीं फिर भी जल्दी पुगे वाह भाई जी सुबह सावर अब अठा आ गया मतलब ये जल्दी पुगे हो सावर गोनिया सुबह तो सरदार से जद क्या का डांगा जल्दी पुगे हो जोरदार कलड़ा हो रहा है हाँ क्यों भाई जी ठीक है क्या राजेश बढ़िया बढ़िया राम राम भाई और ठीक हो बढ़िया आ जाओ तो कोई थोड़ी पट्टी बनवा रहे थारमो की मोई पग दुखेगे भाई जी दोनों दुखना सारंगा मारे मतलब दोनों को नहीं आठ जना चलन आ रहे पैदल सारंगा दुखना आ रहे अरे तो मैं ये खातिर आई हूं बर्छी ले आऊं मैं गाड़ी में बर्छी पड़ी है पग काट के हरदेश नोक धोक लगाई हूं मैं तेरे टेंशन क्या मिलियो भाई जी आज शाम नहीं धोक लगा जा साला सर बर्छी को नाम ना आयो यार मेरी पग दुख है इतना बात है पग कौन दुख एकदम सही है ये देखो एकदम सही है एकदम बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ था मैं स्वस्थ था एकदम मैं मारसा का मांगियो बदमाश भाई जी है आने तो थे सारा जानते ही होगा और मारू मिलन आए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ज्यादा अच्छा लगन आया मेरी तरफ भी थारो बहुत बहुत धन्यवाद थे मन बुलायो और पैदल यात्रा कर रहे हो जय बालाजी की लो गाइस अभी एडिटिंग चल रही है बीच बीच में जहाँ भी मौका मिल रहा है वहाँ एडिट कर रहे हैं बनवा रहे क्या भाई जी से को काम नहीं कर पावे वो नहीं कर पा चाहिए जाए क्यों भाई हाँ। एक बार भी मानना के नहीं कह दियो के वो जो को बर्गर को काम नहीं हो साला सर में बहुत सारा को हाँ। पांच को बर्गर आवे बीस को बेचना है हाँ। मैं क्यों लाया तो कमा लोगे भाई हाँ भाई बीस का बर्गर बीस का बर्गर को कह लिया बर्गर बीस चटनी दे अब भाई बतानी है चटनी की तो बताई दुकान गए तो दुकान कह दिया 200 की सीसी है खैर इतना तो बचा ही कौन दूसरा बर्गर आला किनू पतो लगवायो भी चटनी किया हुआ है कजिया घरे रगड़ के लिया जना माऊ जीर बाबू जीर भाई जीर भाभी जीर सारा सुबह 5 बजे उठ के पहले कोठे पे चले चटनी 8 बजे भाई भाई बोले जी एक मन तो फिर आप 15-20 हजार को घाटो ला जाओ फिर पीटिया बनाना शुरू करे भाई जी ने मजबूरी माया राजा किसी को नॉर्मल बात तो यही अलग है जाने कॉमेडी कहानी सुनाई है कोई ले 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 बिल्कुल बहुत 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 शानदार अच्छा कलाकार है बनवारी जी और बहुत शानदार काम कर रहा है क्योंकि मैं बोली दोस्त है जिसकी ट्यूनिंग है टोन है यार व्हाट्सएप में तेज तो शमशान घाट में नहीं स्पाई अभियान चला रखे हो सारे काम का टापर टोड़ बेड़ा बेड़ा तो धीरे 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 बेटा पर किस कर लग गया तुम 4-5 जना बैठ के पुरानी यार अताई करने लग गया तो मैं एक कोई जानकार राणा सूरत कढ़ूँ ख्याल मिलना हो मैं कोई दिहाड़िया ना जी तो मैं अड्डे पर आके फोन करियो क्या जी खटा हो कि मैं शमशान घाट में थे नेर के सर सर हठी आ जाओ बने ये ध्यान कौन थी शमशान घाट में क्या बुलावा है जिये गेट का कहा कि गाड़ी रुकी नहीं कौन है कि भाई ध्यान ना मिलने आया भाई क्या मैं फोटो फाटो खींचा से तो शाम में बैठे नहीं पर इं पोतियों फेंक्यो अरे वो लप दे लप हो गए इनू कट बंग इंट्री हो गई अब आदमी सुते हैं ऊपर दौड़ो पोती हो डाइडो है चार कंटे बैठे है शमशान में हाँ शमशान घाट में भाई अभी एकदम यहाँ चुपचाप सा हो गया यहाँ नॉर्मल सा हो गया कन्ना आगे चुपचाप भाई बैठ गया डेढ़ एक मिनट बाद कहे के बात होगी एक भाई जी जचती को नहीं गांव में पी सके और गांव को ओपो पानी बंद कर लो वो रात पूरा हो गया अब मैं के घिसा गरडो पर गेट पहन तो लिए या अब आगे की करूँ मैं मन ही ठा को मैं क्यों मुझको चाबी दियो भाई जी हम सामान सुमान लिए उसे सो फिर जाके करना उनके और मैं लकड़ी उठाऊँ हम दो जना चाबी लेके रवाना हो गए मांडी गाड़ी मांडी गाड़ी में अब लारे में 2 बच गया एक्स्ट्रा बंगा लगा 3 बैर एक सुत्यो बोतियो 2 में एक्स्ट्रा बच गया मैं बिन के पानी लिया भाई हम पानी पा दे बारे नलकों का डब्बो भर लिया वो पानी आड़ बनाऊ बारे उठ गयो इन मार अड्डा रोड या लारा बैठो कोई ट्रैक्टर आवा वास साइड नहर गैर शमशान घाट के बीच में फट 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 में गयो और एक अरे रोकी रोकी रहा रोकी मैं लकड़ी को कही हूँ रोकी 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 मैं वो डर बाज गयो सारे निकल गया
भाई सत्ते ऊपर दौड़ो कपड़ो उड़ाड़ो तीन में कन्ने बैठा ना बस बोले ना एक होना सी बोलियो तो सारे ही गया रे भाई जी वो पोती हो नहीं यहाँ मैंने फेंक के तो थेड़ दार लियो जो भी भाई माइड है सुन लियो देखो इतना करिश्ता नहीं है मतलब लॉकडाउन लगे दिन मैं स्कूल में ही रहता हूँ स्कूल के सब में खाणो खुणो खा के थोड़ी देर बारह आ जाता और गामू बेली दोस्त भाई आ जाता कई देर पटा पिंता दो घंटा अतः ही करता तो एक दिन एक भाई आयो कौन वो खेत में और मैं दो दोस्त इकट्ठा हो गया तो मैं क्या कॉन्फ्रेंस कर गए विजय मारे दोस्त है वो बॉम्बे हो मुकेश हो वो कोटा हो एक दिन क्या हो मैं बन है कॉन्फ्रेंस मिला रखी दोनों ने कोटा वाला नहीं भी बॉम्बे वाला नहीं यार जक्का भाई जी कई दिन आया कौन नहीं गमसान भाई जी मैं खेत में आ कीपैड फोन रखे सिंपल आदमी हेलो राम राम के हाल है ठीक है बिनू वो बीजू बोलियो राम राम भाई जी कह रहे राम राम तू कद आ गयो इतना तो समझ गया सारा कह आज ही आयो पाँच बजे बिनू वो बीच वाले मुकेश बोलियो भाई जी राम राम अरे तू ही आ रही अरे फिर लॉकडाउन क्यों आ गया क्या मैं एक है कि बॉम्बे में कोई हेलीकॉप्टर आओ डॉक्टर आगो अठा जाँच करने गंगानगर एक कोई डॉक्टर ने उतारना हो बैठा कोटा खेली भाई जी कोई सेटिंग कराई जिसको बॉम्बे उमन चढ़ा ली और वो कोटा उतरे भी डॉक्टर ने छोड़ गए इन्हें चढ़ा ली और अब स्कूल में उतरे ही यहाँ अरे जे हेलीकॉप्टर को गेड़ो लेनो है तो फटाफट आ जाओ घर में खेत में उमर मुनर में तो लुटा कर रही हूँ कहने नहीं थे पहुँचो जल्दी कह चलो बन नरमो नरमो तो लात लो गए आयो फटाफट आ गए घरे छोड़ छोड़ो स्पीड टू स्पीड स्कूल पर चले फोन करो खटसी हो कह भाई जी थे खटाओ कह बस गिरू नहीं करी हूँ कह तो कपड़ा खिंचा के कपड़ा खिंचा मैं इसे तो खेत है महाराज छू थे हेलीकॉप्टर में बैठा था ना आदमी कम कम कपड़ा तो कितना होना चाहिए वापिस जाओ थे ना आगे कपड़ा फेर गया मैं रुका वहाँ पाँच मिनट तो भाजी वापिस गया थोड़ा पानी दौड़ा फेर के टपक 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 भाजा ही आया अड्डा पर आए फोन करो भी खटकील पास हो थे इन इन आओ तो सीधी गेट के ऊपर मेरे बाजा बैठू दड़बड़ दड़बड़ गेट गार्ड ने किया हमको भाई जी थोड़ा दिमाग काट गया यार बचा ही नहीं बैठी कह गया हेलीकॉप्टर कटाया हेलीकॉप्टर पर चलना है मेरे साथ अच्छा भाई जी चाहते सीधा गेट पर गार्ड ने कहा हेलीकॉप्टर राम 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 कम से कम मिले एक महीने मतलब ट्रोल करे आदमी ने बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो इनको नाम अंकित है लाडलो भतीजा गांव गई अच्छा तो इन दिया लाडू सारा के गुंडो अच्छा ए ये वे ओहो राव सर के हनुमानगढ़ के रास्ते में रवि भाई का और राजीव भाई का गांव भी है तो ये भाइयों को जब पता लगा कि पैदल यात्रा हटता ही आ गई तो भाई स्पेशल मिलन आया साग खाणो खायो हताई करी बहुत आनंद आया यार मैं अनफेर इनवाइट करूँ भी अगलो पड़ाव मारो उठू 20 किलोमीटर आगे बगो तो भट्ठे भी थे आएगी और शाम को खाना भी साइड खाऊंगा बिल्कुल जरूर तोड़बिया भी हौसला अफजाई बने पहले तो यात्रा थे कर चुके हो तो दो बार मतलब यहाँ थे करी तो एक बार लेफ्ट लेफ्ट चैंपियन जीत्या और एक बार स्कूल बना रही हो अब की बार क्या विचार है जाने भी काम चुका कोई नहीं बाबे को मतलब भारी कुछ ले गया मैं मैडम ने बताया मैं कि मेरी बाबा साहब बात हुई थी मैं तो पैदल को नहीं लंगर में सेवा कर दूंगा सेवा कर अब कल अपन लंगर लगा दिया वो मेरे ही शानी हाँ सगे तो अपन ही लंगर लगा सा और सगे नहीं बाबा के पैदल जाके धन्यवाद दे हमेशा 11 बजे 11:30-12 बजे तक मैं सो जावा और पूरे 3 बजे तक रेस्ट पूरा कर सारा टाइम हंसने में रहता ही नहीं कोशिश कर लग रहा है सारा भगत सोना ही चलो सो जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो ठीक है जय बाबा की आज का सफर इतना एंटरटेनिंग था कि हमें ये ब्लॉग यहीं एंड करना पड़ रहा है आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करके बताएं कैसा लगा एक्चुअली हमारा एडिटर भी थोड़ा थक गया था और नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ रही थी बीच बीच में सो बाकी का जो आज का सफ़र है वो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे हमारा सफ़र जारी है बहुत अच्छा चल रहा है जय श्री राम जय बाबा जी